हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम आपका इस साल होने वाला है सितंबर में, और पीसीएस के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में है वो है इस पंजाब से रिलेटेड जितनी आपकी जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो पंजाब से रिलेटेड जनरल नॉलेज हम आपको यूट्यूब पर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अभी तक आपके सामने काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हम सिखिज़म जो रिलीजन है, जो मेनली अगर हम बात करें मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का मेनली पार्ट फॉर्म वो करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। हम जितने भी सिख रिलीजन में जो भी गुरुज़ आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारे लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे लिए जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जा सकते हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मुझसे यहाँ पर आपको कुछ पढ़ाते हुए, रिलीजन पढ़ाते हुए कोई मेरे वर्ड मुँह से वर्ड जो है वो गलत प्रोनाउंस हो जाए या कोई गलती हो जाए मुझसे, तो उसके लिए मुझे प्लीज़ पहले से ही मैं आपसे जो है माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा सिखिज़म पार्ट वन, और इसमें हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, आज का हमारा एजेंडा जो है वो क्या रहेगा। आज का एजेंडा हमारा रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ सिखिज़म, कि कैसे सिखिज़म का ओरिजिन हुआ। और ओरिजिन ऑफ सिखिज़म की जब हम बात करते हैं मेनली, तो ओरिजिन ऑफ सिखिज़म के लिए हमारा जो मेन कंसेप्ट जाता है वो जाता है श्री गुरु नानक देव जी की तरफ। ठीक है, क्योंकि यही हैं जो फाउंडर हैं सिख रिलीजन के। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ सिखिज़म हम देखेंगे, और हम देखेंगे कि सिख वर्ड को डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे आज के लेक्चर में हमारा बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। आज हम अपने आपको सिर्फ बर्थ और अर्ली लाइफ तक सीमित रखेंगे। गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स और वो सब बाकी की चीज़ें हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम करतारपुर कॉरिडोर और वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सिखिज़म की ओरिजिन डेट जो है, जो मानी जाती है सिख रिलीजन में, वो मानी जाती है 1469 AD। ठीक है, तो 1469 AD क्यों मानी जाती है? बिकॉज दिस वॉज द बर्थ ईयर ऑफ द फाउंडर ऑफ सिखिज़म, दैट इज़ गुरु नानक देव जी। वो इस दिन पैदा हुए थे अप्रैल महीने में 1469 में, इसी वजह से 1469 को सिखिज़म की पहली डेट कहा जाता है। ठीक है, अब इस समय में जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, उस समय में इंडिया जो था, इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट का माहौल चल रहा था। ठीक है, भक्ति मूवमेंट में दोनों हिंदू रिलीजन के भक्त और सूफीज दोनों जो है अपनी अपनी चीज़ें जो है भक्ति मूवमेंट को प्रमोट कर रहे थे। भक्ति मूवमेंट वॉज बेसिकली यू नो प्रमोटिंग व्हाट भक्ति मूवमेंट वॉज प्रमोटिंग निर्गुणा भक्ति। ठीक है, मतलब ये जो जितने भी आपके भक्ति मूवमेंट के फॉलोअर्स थे या जो प्रमोटर्स थे इसके, वो मेनली चीज़ को हाईलाइट क्या कर रहे थे कि भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मूर्ति पूजन करना है। ठीक है, तो जैसे बाकी के भक्त थे और सूफीज थे, तो गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा कि देखो, आप भगवान से प्यार कीजिए, भगवान से डरिए मत, और उसी के बेस के ऊपर आपका जो है धर्म आधारित होना चाहिए। ठीक है, बाकी के भक्ति मूवमेंट वाले भक्त की तरह ही गुरु नानक देव जी ने भी कास्ट यानी कि जाति और रिचुअलिज्म को बहिष्कार किया। इन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका धर्म नहीं है कि आप किसी कास्ट में फॉलो करो, जन्म के आधार पे आप किसी को ऊंचा नीचा कहो, या जो इतने रिचुअल्स जो है उस समय फॉलो करे जा रहे थे हिंदू रिलीजन में, वो इन्होंने कहा कि नहीं, ये रिचुअल्स आपको भगवान से मिलने में किसी तरह से हेल्प नहीं करते हैं। अगर आपको भगवान से मिलना है तो आपको अपने आप पर यकीन रखना पड़ेगा। ठीक है, और सूफीज की तरह गुरु नानक देव जी ने भी क्या कहा कि आप अपना कंप्लीट सबमिशन गॉड को दे दीजिए। ठीक है, एंड अल्टीमेटली आपको गॉड की रियलाइजेशन हो जाएगी। तो जैसे भक्त और सूफी जो चीज़ प्रमोट कर रहे थे, तो गुरु नानक देव जी ने भी भक्ति मूवमेंट के समय उन्हीं चीज़ों को प्रमोट किया। बाकी हम डिटेल में गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी बेसिकली हम ओरिजिन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब स्पिरिचुअल क्वेस्ट वॉज द सोल एम ऑफ द भक्त एंड सूफीज, कि अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को जानना, ये जो था मेन आधार था भक्त और सूफीज का, और गुरु नानक देव जी ने भी इसी चीज़ को एम्फोसाइज किया। लेकिन गुरु नानक देव जी में एक डिफरेंस था जो बाकी के भक्त और सूफीज उस समय एम्फोसाइज नहीं कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने बोला कि देखो भैया, सोसाइटी में जो भी बुरा हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, एक जो ट्रू रिलीजन है, जो भी एक सच्चा धर्म है, उसका काम है कि वो इन अधर्मों से, इन इल्स और एरर्स से लड़े। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी ने इस चीज़ को भी एम्फोसाइज किया। अब देखो, ये सारी जो इनकी टीचिंग्स है ना, दिस कैन बी आस्क्ड
फ्रॉम यू इन योर प्रीलिम एग्जाम्स, ठीक है। प्रीलिम्स में एग्जाम में आपसे जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको दे सकता है कि बताओ गुरु नानक देव जी की इनमें से कौन सी टीचिंग्स है या क्या वो एम्फेसाइज करते थे। तीन चार आपको टीचिंग्स दे देगा और आपको उसमें सही आंसर बताना होगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ वर्ड सिख। तो जो आपका वर्ड सिख है ये, इसको हम डिफरेंट लैंग्वेजेस से ट्रेस कर सकते हैं। अगर हम देखें तो वर्ड सिख जो है इसका ओरिजिन हम कह सकते हैं कि एक संस्कृत वर्ड है आपका जिसका नाम है शिष्या, वहाँ से इसको लिया गया है। अब शिष्या का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग अ लर्नर और डिसिपल, इसको आप शिष्य भी बोलते हो, ठीक है। लिखा है इस तरह से जाता है लेकिन प्रोनाउंस काफ़ी लोग इसको शिष्य करते हैं। तो शिष्य आप सब जानते हैं कि क्या होता है, मीनिंग अ लर्नर और अ डिसिपल, जो सीखने वाला होता है, जो गुरु का, जिसको आप मॉडर्न डे लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट इज व्हाट, अ शिष्य, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो एक पाली लैंग्वेज का वर्ड है सेखा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, वन अंडर द ट्रेनिंग इन अ रिलीजियस डॉक्ट्राइन, जो एक धर्म की सीख ले रहा है अभी, उसको क्या बोलते हैं, सेखा, ठीक है। पंजाबी फॉर्म जो इस वर्ड का है दैट इज कॉल्ड सिख, और इसका मीनिंग क्या आता है, डिसिपल ऑफ गुरु नानक देव जी, डिसिपल्स ऑफ, यानी कि जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट्स थे गुरु नानक देव जी के, और उनके जो आगे जो नौ गुरु आए सिखिज्म में, जो नाइन स्पिरिचुअल सक्सेसर्स थे जो गुरु नानक देव जी के, उनके जो डिसिपल्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या बोला गया, सिख बोला गया, ठीक है। अब एक ऑफिशियल डेफिनेशन जो है सिख की वो दी गई है सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1925 के थ्रू। तो ये जो आपका सिख गुरुद्वारा एक्ट है 1925 का, ये किस तरह से डिफाइन करता है सिख को, तो इस एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन है दैट सिख मीन्स अ पर्सन हु प्रोफेसेस द सिख रिलीजन, जो सिख धर्म में मानने वाला है वो। द पर्सन शॉल बी डीम्ड टू बी अ सिख, एक व्यक्ति को सिख माना जाएगा If he or she affirms faith in the 10 gurus, अगर वो जो 10 गुरु थे, जो 10 सिख के गुरुज हैं, उनमें अगर वो विश्वास रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी में अगर वो विश्वास रखते हैं, और वो किसी और धर्म को नहीं मानते, तो according to सिख गुरुद्वारा एक्ट ही इज़ अ सिख, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है पॉइंट्स फॉर्म में कि बताइए। देखिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ, कुछ लोग आपको यहाँ पर कहेंगे कि पिछले साल से जो है पंजाब में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, तो एग्जामिनर आपसे पूछ के सवाल डालने वाला नहीं है, तो आपको रेडी रहना है। तो इन सब चीज़ों में से आपके प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको इसीलिए तैयार रहना है ताकि कोई भी आ जाए। देखो PCS का कोई भरोसा नहीं होता, साल में, दो साल में, तीन साल में, चार साल में निकलता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है आपका पेपर इस चीज़ में रह जाए कि एंटिसिपेशन में आपका पेपर निकल जाए कि भाई ये होएगा या ये नहीं होएगा, वो वाली सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं गुरु नानक देव जी की, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी आप सब जानते हैं कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, और इनका जन्म कब हुआ था, अप्रैल 15, 1469 को, ठीक है। अप्रैल 15, 1469 को इनका जन्म हुआ, और जन्म हुआ कहाँ पर, तलवंडी, जिसको अब ननकाना साहिब नाम से जाना जाता है। ये जगह जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान के लाहौर से कुछ 65 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर है ये। ये देखो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बर्थ डेट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बॉर्न एट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम, गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम था मेहता कल्याण दास बेदी, और इनको मेहता कालू के नाम से भी जाना जाता था। अगेन एक फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पर आपका कवर हो जाता है, पूछा जा सकता है। अब ये जो मेहता कल्याण दास बेदी जी थे या गुरु नानक देव जी थे, तो ये बाय बर्थ बेदी खत्री थे कास्ट से, ठीक है। और ये जो मेहता कालू थे, ये पटवारी का काम किया करते थे इन द सर्विस ऑफ राय बुल्लर, ये एक उस एरिया का लोकल मुस्लिम चीफ था राय बुल्लर, ऑल राइट। अब गुरु नानक देव जी तो जो थे शुरू से ही इनमें साधु वाली टेंडेंसीज थी, ठीक है। शुरू से ही एसेटिक टेंडेंसीज थी, एसेटिक क्या होता है, साधु जो लोग होते हैं, ठीक है। तो शुरू से ही इनमें साधु वाली टेंडेंसीज थी, और किसी भी जो पेरेंट्स होते हैं वो वरीड हो जाते हैं इस चीज़ से। अगर आज आप साधुओं वाली बातें करने लगो तो आपके पेरेंट्स भी वरी होना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये क्या करेगा, ये साधु बन के रह जाएगा, ये जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें गुरु नानक देव जी के पेरेंट्स को भी जो है काफ़ी ज़्यादा उनको चिंता होती थी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की कि वो किसी तरह से गुरु नानक देव जी की जो ये टेंडेंसीज हैं उससे उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट कर सके, और उनको दूसरी जो दुनियादारी की चीज़ें हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और इसी चीज़ के लिए उन्होंने उनको शादी के लिए मना लिया कि भैया तुम शादी कर लो, ठीक है।
अब जो गुरु नानक देव जी थे इनकी शादी कर दी गई सुलखनी से, ठीक है। सुलखनी जी जो थी ये डॉटर थी मूलचंद नाम के एक व्यक्ति की, जो विलेज अकाउंटेंट था पखौकी बटाला, ये आपका मॉडर्न डे गुरदासपुर है वहाँ पे से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। लेकिन शादी के बाद भी जो गुरु नानक देव जी थे इनका दिमाग नहीं हटा, जो भी मतलब वो अभी भी एसेटिक तरफ ही उनका मतलब मोह माया में उनका दिमाग अभी भी नहीं डला, दुनियादारी में उनका दिमाग अभी भी नहीं आया, ठीक है। गुरु नानक देव जी के शादी के बाद उनके दो बेटे हुए और उन दोनों का नाम था श्रीचंद और लक्ष्मी दास। अगेन फैक्चुअल, ये देखो ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वाइफ का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, बच्चों का नाम, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जब इतना सब होने के बाद भी गुरु नानक देव जी की अटेंशन नहीं बनी वर्ल्डली अफेयर्स में, तो उनकी सिस्टर थी एक, उनका नाम था नानकी और नानकी के पति का नाम था जयराम। तो नानकी और जयराम गुरु नानक देव जी को अपने साथ सुल्तानपुर ले गए जहाँ ये लोग रहा करते थे, और सुल्तानपुर में इन्होंने इनकी नौकरी लगवा दी, ठीक है। नौकरी क्या थी, ही वॉज अपॉइंटेड एज द कीपर ऑफ मोदी खाना, ठीक है। वहाँ पे उनको देख रेख करने का काम दिया गया। ये एक गवर्नमेंट का स्टोर हाउस था उस समय के जो नवाब थे उस सुल्तानपुर के, दैट वॉज नवाब दौलत खान लोधी, ठीक है। नवाब दौलत खान लोधी की सर्विस में इन्होंने काम किया। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि सुल्तानपुर में गुरु नानक देव जी कौन से नवाब या कौन से लोधी डायनेस्टी के पर्सन के अंडर काम करते थे, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका नवाब दौलत खान लोधी। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करना चाहूँ तो डायरेक्ट बन सकता है, ऑप्शन में मैं आपको दे दूंगा दौलत खान लोधी, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस मैं यहाँ पर फ्रेम कर सकता हूँ, मैं एक ऑप्शन आपको दे दूंगा सिकंदर लोधी, एक ऑप्शन में आपको दे दूंगा इब्राहिम लोधी, एक मैं आपको दे दूंगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दौलत खान लोधी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको जो है बिल्कुल तैयार रहना है। अब कुछ समय बाद, कुछ समय तक इन्होंने वहाँ पर अच्छे से काम किया और इनके जो इम्प्लॉयर्स थे वो इनसे काफ़ी खुश थे। वहाँ पर इनको इनका एक दोस्त भी मिला, उनका नाम था मर्दाना, काफ़ी फेमस नेम है, काफ़ी जो है सिखिज़म में इनकी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मर्दाना इनके बचपन के दोस्त थे, इन्होंने मर्दाना जो थे ये भी सुल्तानपुर आ गए और वहाँ पर फिर इन्होंने इकट्ठे मिलकर के सिंगिंग ऑफ हिम्स, भजन वगैरह गाने का, और कॉमन मील जो आगे चल करके लंगर प्रथा बनी, ठीक है, और लोगों को प्रमोट करना कि वो एक सिंपल लाइफ जिए, एक धर्म वाली लाइफ जिए, एक अच्छी लाइफ जिए, नेकी वाली ज़िंदगी जिए, ये सब उन्होंने वहाँ पर प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन गुरु नानक देव जी रिवर बेन हुआ करता था उधर ही सुल्तानपुर के आसपास, उस रिवर बेन के किनारे गए और वहाँ पर वो जाकर के कुछ दिनों के लिए लापता हो गए। तो 3 दिन के लिए गुरु नानक देव जी जो है वहाँ से लापता हो गए, वो मिले ही नहीं, ठीक है। और इसको सिख रिलीजन में कहा जाता है कि जो ये डिसअपियरेंस हुई उनकी, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, एज मीटिंग विद द गॉड, कि वो भगवान से मिलने चले गए थे 3 दिन के लिए, ठीक है, जब वो रिवर बेन के किनारे गए। अब देखो ये तीनों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के किनारे गए थे वो, या फिर कितने दिनों के लिए मिसिंग हुए थे, ठीक है। जैसे आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जब हम लोग पढ़ते हैं तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी हम देखते हैं ना निर्वाणा, गौतम बुद्ध कुछ दिनों के लिए पीपल के पेड़ के लिए नीचे बैठे तो उनको निर्वाणा मिल गया। सिमिलरली जो आपके महावीरा थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, तो गुरु नानक देव जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो नदी किनारे गए और वहाँ पर वो 3 दिन के लिए लापता हो गए, जिसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, एज मीटिंग विद द गॉड, कि वो भगवान के दर्शन करने चले गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो पहली बार 3 दिन बाद जब उनकी दोबारा वो रीअपियर हुए, दोबारा से दुनिया के सामने आए, तो पहले जो शब्द उनके मुँह से निकले दैट वॉज देर इज़ नो हिंदू देर इज़ नो मुसलमान, कि हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, कुछ धर्म नहीं होता, सबका भगवान जो है एक। यानी कि ये किस में विश्वास करते थे, ये विश्वास करते थे यूनिटी ऑफ गॉड में, ठीक है, यूनिटी ऑफ गॉड में, कि भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान एक है। और इसके बाद, इस हादसे के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, इन्होंने अपने पूरे वर्ल्डली अफेयर्स को रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया, अपने बीवी बच्चों को त्याग दिया और ये लंबे लंबे जर्नीज के ऊपर निकल गए। और इन जर्नीज का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता था वो ये होता था कि वो किस तरह से निर्गुणा भक्ति को प्रमोट करें। निर्गुणा भक्ति में क्या होता था कि भाई आपको पंडित की ज़रूरत नहीं है,
कि आपको बड़े बड़े प्रवचन या बड़े बड़े जो है मंत्र बोलने हैं या आपको मूर्ति की आवश्यकता है। निर्गुणा भक्ति क्या है कि आप आंखें बंद करके कहीं पर भी बैठ के भगवान का नाम लेना शुरू कर दो तो आप भगवान की प्रार्थना में हो। आपको मंदिर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी धर्म स्थल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगले 20 साल गुरु नानक देव जी ने कुछ अपने इन्हीं जर्नीज के ऊपर जो है स्पेंड किए। इन 20 सालों में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल किया, कंटिन्यूसली इन्होंने ट्रैवल किया। अब ये जो ट्रैवल था इसका एग्जैक्ट ये कहाँ कहाँ किस टाइम गए ये हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स में है नहीं, लेकिन जो कस्टमरली जो सिख रिलीजन के जो टेक्स्ट हैं उनमें लिखा जाता है कि उन्होंने 4 लंबी जर्नीज जो हैं वो अपने जीवन में किए इस 20 साल में, जिनको डिफाइन किया जाता है एज उदासीस, ठीक है। तो आपको अब उदासीस पता चल गया कि क्या होता है। उदासीस होते हैं द लेंदी जर्नीज टेकन बाय गुरु नानक देव जी इन द 20 ईयर्स ऑफ हिज रिनन्सिएशन, ठीक है। और ये 4 जर्नीज कहाँ पे थी ये कहा जाता है, एक ईस्ट में, एक साउथ में, एक नॉर्थ में और वेस्ट में। और हर उदासी के बाद, हर लंबी जर्नी के बाद वो एक बार पंजाब आते थे और फिर दोबारा से जर्नी को जो है कैरी ऑन करते थे, ठीक है। इस बीच में ये बहुत सारी हिंदू रिलीजियस प्लेसेस पे भी गए, जैसे जगन्नाथपुरी, बनारस, हरिद्वार, रामेश्वरम, सिलोन, ये आपका जो प्रेजेंट डे श्रीलंका है, ठीक है, उसका एंशियंट नाम क्या था, सिलोन, गाया, कैलाश, मक्का, मदीना, बगदाद, इन सब जगहों पे उन्होंने विजिट किया, ठीक है। अल्टीमेटली जब वो अपनी ये उदासीज को पूरा करके पंजाब पहुँचे तो देखो गुरु नानक देव जी के एक कंटिन्यूस कंपेनियन थे मर्दाना, जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे। तो जब वो पंजाब पहुँचे तो उस समय उनको और मर्दाना को बंदी बना लिया गया सादीपुर में, जब बाबर हिंदुस्तान को इन्वेड कर रहा था, बट कुछ समय बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि कहाँ पर बंदी बनाया गया, गुरु नानक देव जी के साथ उस समय कौन था जिसको बंदी बनाया गया, कौन सा मुगल रूलर था जिसने इन्वेड किया था जिस टाइम पे बंदी बनाया गया, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। उसके बाद अब इन उदासीस के एंड में गुरु नानक देव जी जो थे, गुरु जी जो थे, उन्होंने एक विलेज जो है उसको इस्टेब्लिश किया और उस विलेज का नाम उन्होंने रखा करतारपुर। ये करतारपुर जो है आपका लाहौर पाकिस्तान में है, और ये पर्टिकुलर विलेज जो है ये राइट बैंक पे है रिवर रावी के। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि करतारपुर विलेज विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय गुरु नानक देव जी वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ, बैंक होता तट, कौन सी नदी के तट पे था, कौन सी नदी के बैंक्स पे था, तो आप कह दोगे रावी नदी के बैंक्स पे था। और इन्होंने अपने जीवन के बाकी के साल इसी विलेज में जो है स्पेंड किए, ठीक है। अब जो जन्म साखीज हैं जो गुरु नानक देव जी की लाइफ के ऊपर लिखी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि ये जो करतारपुर विलेज वाला जो लैंड था ये इनको ऑफर किया था बाय अ करोरी, ठीक है। करोरी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ परगना, जो उस परगना का जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसने गुरु नानक देव जी को बोला कि आप ये लैंड रखिए, यहाँ पर एक विलेज इस्टेब्लिश कीजिए और आप यहाँ पर रहना शुरू कर दीजिए। अब ये करोरी इनिशियली अगेंस्ट था गुरु नानक देव जी के, लेकिन बाद में ये इनका शिष्य बन गया और इनको इन्होंने ये ज़मीन जो है दे दी। अब गुरु नानक देव जी कॉल्ड इट करतारपुर, एंड उन्होंने वहाँ पर अपने पेरेंट्स को भी बुलाया, अपनी वाइफ सुलखनी को भी बुलाया, अपने दोनों बच्चों श्रीचंद और लक्ष्मीचंद को भी बुलाया। अब अल्टीमेटली गुरु नानक देव जी क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि वो एक प्रेफर करते हैं लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी सन्यासी बन के रहना चाहते हैं। जब उन्हें एनलाइटनमेंट चाहिए था तब वो सन्यासी बन गए, उसके बाद वो वापस गृहस्थ जीवन में आ गए। अब अगर आप कंपैरिजन करो, जब हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी हम देखते हैं कि गौतम बुद्धा और आपके जो महावीरा थे इन्होंने भी वर्ल्डली अफेयर्स को रिनाउंस कर दिया, अपने बीवी बच्चे अपने परिवार को रिनाउंस कर दिया, लेकिन दोनों गौतम बुद्धा और महावीरा कभी भी दोबारा से फैमिली लाइफ में सेटल नहीं हुए, ठीक है। लेकिन गुरु नानक देव जी 20 साल तक उन्होंने जो है रिनाउंस करके रखा वर्ल्ड को, उसके बाद वो फैमिली लाइफ में दोबारा से सेटल हो गए। बेसिकली ही वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग वॉट कि अगर आपने जन्म लिया है तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर भगवान को ऐसा होता कि आप जो है पूरी ज़िंदगी सिर्फ सन्यासी ही जिए तो भगवान आपको परिवार देता ही ना, भगवान आपको रिश्ते देता ही ना। अगर भगवान ने आपको ये रिश्ते दिए हैं तो आपको उनकी रिस्पेक्ट जो है वो करनी होगी, ओके। और गुरु नानक देव जी के आने के बाद बहुत से जो उनके भक्त थे वो भी करतारपुर के अराउंड जो है सेटल होना शुरू हो गए, और इस तरह से करतारपुर एक पूरा विलेज जो है वो इस्टेब्लिश हो गया और वो एरिया वाइज भी ग्रो करने लगा। ऑलराइट,
चलिए अभी हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से फिर करतारपुर में रहते हुए जो टीचिंग्स गुरु नानक देव जी की थी, और किस तरह से करतारपुर और बाबा जो आपका है वो हम डिस्कस करेंगे, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। तो जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा। लेक्चर यहाँ पर ओवर हो चुका है, तो जो बच्चे अब वीडियो से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स लेकर के आए हैं, PCS का जो फास्ट ट्रैक कोर्स है, जो आपको हेल्प करेगा टू क्रैक योर एग्ज़ाम। देखो बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऐसा बोलेंगे कि YouTube पे हम सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो आपको कुछ, वो सब कुछ नहीं करा रहे वो आपको, क्योंकि अगर वो सब कुछ कराएंगे तो वो क्या करेंगे आगे चल के, वो कुछ ना कुछ आपका ऐसा रखेंगे जो आपको बाद में आपको पेड लेना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसे क्लेम्स नहीं करते हैं, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्स जो है आपका पेड रहेगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, देखिए आप अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो पेड कोर्स के अलावा वहाँ पर आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज भी मिलेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं www.shikshit.com के ऊपर अगर आप जाते हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर क्लिक करें, ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पंजाब सिविल सर्विसेज जो है वो दिखेगा। पंजाब सिविल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके तीन कोर्सेज खुलेंगे, ठीक है। एक जो सबसे पहले है ये आपका पंजाब सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर डिस्कशन है विद आंसर की। इसमें आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स डल चुके हैं, जो आपका 2018 का PCS का पेपर है, 2015 का है, 2014 का है, 2012 का है, वो सारे डल चुके हैं विद आंसर कीज, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ द क्वेश्चन डिस्कशन जो ये आपके पास्ट ईयर एग्जाम्स थे उसको भी हमने यहाँ पर कवर किया है। उसके बाद अगर आप थर्ड नंबर पे देखें, ये आपका विरसा पंजाब दा एक ये फ्री यूट्यूब सीरीज़ है जो आप करंटली देख रहे हैं, जिसमें हम सारा पंजाब का आपका GK कवर कर रहे हैं। इसका PDF आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वीडियो के, तो आप जब इस कोर्स के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पर कोर्स कंटेंट में जाकर के इसके PDFs जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेक्चर 1 का PDF, 2 का PDF, तो इस तरह से सारे लेक्चर्स के PDF यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आपको उनको बिल्कुल भी जो है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको यहाँ पर फ्री पर क्लिक करके इसको साइन अप करना है, ऑलराइट। उसके बाद अगर आप देखो जो आपका फास्ट ट्रैक कोर्स है, यहाँ पर ये आपका फास्ट ट्रैक कोर्स है, ये पेड कोर्स रहेगा, इसमें आपके सारे ये प्री कम मेंस का कोर्स है, ठीक है। और अभी इसके ऊपर 33% ऑफ चल रहा है, इसमें आप जाकर के कोर्स कंटेंट देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो कि आप वो फुल पेमेंट नहीं कर सकते या जो भी चीज़ें हैं, तो आप हमसे ज़रूर प्लीज़ एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, हम उसका सलूशन निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, या आप हमें मेल कर सकते हो shikshit@gmail.com पर, ऑलराइट, या आप YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ पूछिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट हैं, बाय बाय।